बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज, और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्राइस ऑफ 10 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज रिकॉर्डेड एट सेवरल स्टोर्स एंड रिजल्ट आर डिस्प्लेस। हमने प्राइस ऑफ वाटर जो डिफरेंट स्टोर से मालूम की, उनका एक टेबल बनाया गया है कि 74 एक स्टोर दे रहा है, 75 टू स्टोर दे रहे हैं, 76 एट स्टोर दे रहे हैं, 77 10 स्टोर, 78 टू स्टोर और 79 एक स्टोर, और 80 की भी प्राइस से हमें एक स्टोर जो है वो पानी दे रहा है 10 लीटर। तो इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, फाइंड द मीन एंड मीडियन एंड मोड ऑफ द प्राइस। तो मीडियन एंड मोड जो है ये 8 क्लास में हम जाके पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पर आपके जो सिलेबस का हिस्सा है मीन फाइंड करना, जस्ट फाइंड मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इस टेबल को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे। एक्स जो है वो प्राइस ऑफ द वाटर है एंड एफ जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो होता है समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास एक तो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, एफ और एक्स को जब मल्टीप्लाई करें तो वो होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास समेशन ऑफ एफ होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है, इनको मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है 74, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 608, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 770, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 156, 79 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 और फिर 80। अब इनका समेशन फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स है, समेशन का मतलब है सम। सम करके हमारे पास आ रहा है 1917, और इसी तरह समेशन ऑफ एफ है, इन सब को सम करना है, तो इनको सम करके हमारे पास आ रहा है 25। 3 3 8 11, 11 में 10 करेंगे 21, 2 करेंगे 23 एंड 2 25। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास है 19 17 ओवर 25, इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो मीन आएगा वो है 76.68। तो इसी कंसेप्ट को बेटा यूज़ करके आपने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।